Hi everyone, welcome to my channel Tanushi and Family. My name is Shivani और आज था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमी फिनाले और हम हार गए, इंडिया हार गई. सो सैड यार, मुझे बहुत ही बुरा लगा. मैंने मैच देखा, एक्चुअली मैंने आज का पूरा मैच देखा था जब इंडिया बैटिंग कर रही थी. और जिनको नहीं पता, जो लोग मैच फॉलो नहीं कर रहे हैं बट स्टिल वो ये वीडियो अगर देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने पूरा स्कोर बोर्ड अच्छे से नहीं चेक किया है, जिन्होंने सिर्फ एक या दो लोगों के ही स्कोर्स को पकड़ के इतना तमाशा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको जरा मैं यहाँ पे स्कोर बोर्ड दिखा देती हूँ. तो मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे अपने फोन में, और साथ में ही आपको स्कोर बोर्ड यहाँ पे कहीं साइड में मैं लगा दूंगी, तो ताकि आपको देखने को मिल जाए. तो ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा रही हूँ न्यूजीलैंड की पारी, जो उन्होंने फर्स्ट डे में खेली थी और थोड़ी सी कुछ रह गई थी जो सेकंड डे में भी खेली थी. और इनके जो हाईलाइटेड बैट्समैन जो निकल के आए, आई थिंक वो थे केट विलियमसन, जिन्होंने 67 रन बनाए 95 बॉल्स पे, एंड टाइलर जिन्होंने 74 रन बनाए 90 बॉल्स पे. और इसके अलावा निकोलस वाज ओके 28 रन्स, एंड निशाम 12. आई थिंक उसके अलावा तो इनका और कोई बैट्समैन नहीं चला इतना. और इन्होंने टोटल जो अपने रन बनाए वो थे 239 विद द 8 विकेट्स, एंड 50 ओवर इन्होंने पूरा खेला और 8 विकेट्स थे, और 239 जो था वो स्कोर था न्यूजीलैंड का, जिसे चेस करना था इंडिया को. अब इंडियन अगर बॉलर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर कुमार ने लिए 3 विकेट्स, एंड जसप्रीत बुमराह 1 विकेट, पांड्या 1, जडेजा 1, चहल 1. एंड उसके बाद बारी आई इंडिया की बैटिंग की, और शुरू के हमारे 3 बैट्समैन, हमारे टॉप बैट्समैन केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली सब से 1 रन पे आउट हो गए. केएल राहुल ने खेले 7 बॉल्स, रोहित शर्मा ने 4, विराट कोहली ने 6. ऋषभ पंत ने थोड़ा ठीक ठाक खेला, वो थोड़ी देर टिके रहे और उन्होंने विकेट अपनी बचाए रखी थोड़े टाइम तक. 56 बॉल उन्होंने खेली और 32 रन बनाए, 4 चौके लगाए. दिनेश कार्तिक ज्यादा नहीं टिक पाए, 25 बॉल उन्होंने खेली और सिर्फ 6 रन बनाए और 1 चौका. हार्दिक पांड्या ने भी ठीक ठाक खेला, 62 बॉल उन्होंने फेस करी और 32 रन बनाए और 2 यहाँ पे 4 बनाए. हालांकि बहुत ज्यादा अच्छे ये स्कोर्स नहीं है, बट जिस तरह की पिच थी, जिस तरह का फील्ड था, जिस तरह की बॉलिंग और फील्डिंग हो रही थी, आई थिंक उस हिसाब से दे डिड लाइक ओके जॉब्स. और उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी की पार्टनरशिप चल रही थी और धोनी वॉज प्लेइंग विद हिम. उसके बाद फिर पांड्या जब आउट हुए तो जडेजा आया, और जडेजा और धोनी ने मिलकर काफी अच्छी एक पारी खेली, 100 रन उन्होंने मिलकर आपस में बनाए. और एमएस धोनी से पहले पहले जडेजा का विकेट गिर गया था, 59 बॉल्स पे 77 रन उन्होंने बनाए थे, 4 मारे और 4 लगाए. जडेजा की एक ये वन ऑफ द बेस्ट उनकी इनिंग है, और आई थिंक उन्हीं की वजह से शायद इंडिया की इज्जत बच गई. इंडिया की जो इज्जत थी वो धोनी और जडेजा ने ही बचाई है आई थिंक. और धोनी ने 50 रन लगाए और वो एक बहुत ही ज्यादा दुख भरा मोमेंट था जब वो रन आउट हो गए. आई थिंक मेरे ऑलमोस्ट आंखों से आंसू आ गए थे वो चीज देख के कि अब हम हार गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता. और लाइक आई वाज सेइंग कि क्या कर रहे हो यार, एक रन काफी था, वाई आर यू रनिंग फॉर दूसरा लेने के लिए क्यों भागे यार आप. बट ठीक है, अब जो भी था वो आउट हो गए धोनी, एंड नेक्स्ट उसके बाद में फिर तो आउट ही होते गए बस फिर सब. एंड जो इनका स्कोर बना दैट इज 221 थे इंडिया के टोटल, 10 विकेट्स थे और 49.3, मतलब लास्ट ओवर तक हम लोग टिके रहे. वरना स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था देख के कि आई थिंक इंडिया तो लास्ट तक खेल भी नहीं पाएगा 50 ओवर, और बीच में ही पूरा निपटारा इनका हो जाएगा जिस तरह से शुरुआत की बैटिंग रही. और ये है इनके बॉलर्स का स्कोर कार्ड. हेनरी ने 3 लिए हैं बॉल 2, और बाकी एक एक निशान और फिगुसन, सेटनर 2. तो कुछ ऐसा था ये मैच, ये था स्कोर कार्ड. मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि मैं आगे जो बोलने वाली हूं ना उसके बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो. तो अब क्या हुआ कि ये मैच हो गया खत्म, इंडिया हार गई, लास्ट ओवर तक मैच चला, सब कुछ हो गया.
अभी मैं सोशल मीडिया लेके बैठी थी, फेसबुक पे बैठी थी बेसिकली, और मैं कुछ पोस्ट देख रही हूँ, लाइक एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सपोर्टिंग इंडिया, लाइक बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी, आमिर खान वगैरह सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को एंड सेइंग कि कोई बात नहीं, हार्ड लक गेम है, हार जीत चलती रहती है, और अब तक हम जीतते आ रहे थे, आज हार गए, कोई बात नहीं, आगे मैच में जीतेंगे. एंड दे आर सेइंग कि कोई, जडेजा ने बहुत अच्छी पारी खेली, जडेजा ने दिल जीत लिया सबका, जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, जीते या हारे, ट्रॉफी लाए या ना लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर स्टिल सपोर्टिंग टीम इंडिया, कुछ ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे ट्वीट्स कर रहे हैं लोग, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं. इसी के बीच में ही कुछ लोग हैं जो कुछ इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं. वन ऑफ कुछ मैं एक एक दो दो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ हाईलाइट करके. और हालांकि मैंने उनको रिप्लाई करके वहां पे अपने जो भी व्यू थे उनके साथ शेयर किए, पर मुझे नहीं लगता उनको कुछ समझ आया होगा. और बहुत सारे ऐसे लोग जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और कमेंट करके उनके पोस्ट पे, और कुछ लोग थे जो मतलब ठीक बात भी बोल रहे थे, बट बहुत लोग उनके इन्फ्लुएंस में आके या फिर अपनी उनकी उनकी भी यही सोच होगी कि सिर्फ एक बंदे ने या फिर एक दो लोगों की वजह से हम ये हार गए हैं, और वो भी ऐसे लोगों की वजह से जिसने एक्चुअली रन बनाए. एंड दे आर नॉट सेइंग द नेम ऑफ स्टार्टिंग के बैट्समैन, दे आर सेइंग कि धोनी और जडेजा की वजह से, बेसिकली धोनी पे ये हाईलाइट हो रहा है कि धोनी की वजह से हम बैट्स जो ये मैच है वो हार गए. एक पोस्ट में यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, वो ये है, इसमें लिखा है, देखिए, आज भारत के हार का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं धोनी को. दूसरा एक पोस्ट दिखाती हूँ मैं, इसमें एक ये एक गर्ल ने किया था, और इसमें लिखा है, वेरी सैड इंडिया लूज, धोनी आई लव यू वेरी मच, आई एडमायर यू वेरी मच, वॉज कंट्रोलिंग माई सेल्फ, धोनी आज खेलेगा, आज फास्ट खेलेगा, आज मैच जीतेगा, बट मिस्टर धोनी जैसा आप सहवाग गांगुली को निकाला, नाउ यू हैव टू रिटायर, बैट ही नहीं उठ रहा, यू आर इन एज टू रिटायर टूडे ऑल्सो, वॉट वर यू डूइंग धोनी, प्लीज रिटायर, आई डोंट वॉन्ट यू टू सी यू अगेन, प्लीज सेलेक्टर्स डू दैट, अब इससे नहीं होगा. अब कुछ कमेंट्स इनके दिखा देती हूँ कि क्या क्या है, फिर मैं इस पे डिटेल में कुछ अपना जो व्यू है वो देना चाहूंगी. कुछ जो इन पे कमेंट्स आ रहे थे उसमें मोस्ट ऑफ द लोग तो ये कह रहे थे कि हाँ सही कह रहे हो, राइट, धोनी की वजह से, धोनी की वजह से ही हुआ है, लाइक देवर सेइंग धोनी धोनी धोनी, हाँ मैं भी धोनी को जिम्मेदार मानता हूँ. एंड समवर सेइंग कि विराट कोहली की वजह से हम हारे हैं, क्योंकि बिकॉज ही इज द कैप्टन, तो उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उसको कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए था टीम की जिम्मेदारी. बाकी मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करने से पहले डिस्कशन आपको एक चीज बता दूं कि जो ये मैच जहां खेला गया है जिस फील्ड में, वहां की जो कंडीशन थी वो बॉलर और फील्डर्स के फेवर में थी. इवन जो कॉमेंटेटर्स थे वो मैच के बीच में खुद कह रहे थे कि दिस इज द वर्ल्ड नंबर वन ग्राउंड जो फील्डर के फेवर में है, वर्ल्ड का नंबर वन ग्राउंड था जो कि फील्डर के सपोर्ट में था, एंड दिस इज द रीजन शायद बैट्समैन इतना अच्छा यहाँ पे नहीं कर पाए. न्यूजीलैंड के बैट्समैन भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं किया है उन्होंने, बट हालांकि और उन्होंने इंडिया से बेटर तो किया ही ऑफकोर्स, और या फिर कह सकते हैं कि उनके बॉलर्स ने इंडिया के बॉलर से अच्छा किया. आई डोंट नो, मैं कोई नहीं होती जज करने वाली, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ क्रिकेट की, आई एम जस्ट अ फैन, तो मैं यहाँ पे अपना जजमेंट या फिर कोई नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहती. जो एक मेरा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि किसी एक बंदे को, और स्पेशली एक ऐसे बंदे को जिसने कुछ तो खेला, उसने 50 रन बनाए, शायद जडेजा और धोनी ही थे जिनकी वजह से जो हमारी टीम इंडिया है उसने एक शर्मनाक हार का सामना नहीं करना पड़ा, एटलीस्ट 50वें लास्ट ओवर तक चल गए हम, वरना सोचो कि 20-25 ओवर में या 30-35 ओवर में हमारी पारी सिमट जाती और हम थोड़े बहुत रन बना के आउट हो जाते, और कितनी शर्मनाक हार होती कि एक ऐसी टीम जिसके पास वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन है विराट कोहली, वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर है जो स्पीड बुमराह, वर्ल्ड की नंबर वन टीम इंडिया है, और वो इतनी बुरी तरह हारी, हारना जीतना लगा रहता है, अभी भी हारे हैं लेकिन एंड तक लड़के हारे हैं. सोचिए वो हार अगर होती कि जब जडेजा भी फटाफट आउट हो जाता और धोनी नहीं होता टीम में, या फिर होता और इससे भी बुरा खेलता, एक या दो रन पे आउट हो जाता या विद इन 10 रन में आउट हो जाता, सोच तो उस चीज में सोचिए कि कम से कम उन्होंने कुछ एफर्ट तो किया है यार. अब स्टार्टिंग जो आपका जो स्टार्टिंग जो ऑर्डर है उनको आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, और आपको मैं यहाँ पे कमेंट दिखाती हूँ क्या क्या किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. तो ये जो पोस्ट है इनके कमेंट मैं आपको बता रही हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ लोग बोल रहे हैं विराट कोहली की वजह से आउट, मतलब पूरी टीम इंडिया नहीं हारी है, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ धोनी, आप सही कह रहे हो, धोनी की वजह से हारी है. कुछ लोग, एक बंदे ने यहाँ पे कमेंट किया है कि
मिडिल के बैट्समैन को ओपन कराना चाहिए ताकि उनको भी बैटिंग मिले, अचानक सेमीफाइनल पकड़ा देते हैं। थोड़ा सा फनी है ये, बट हाँ सच्ची बात है कि जो मिडिल बैट्समैन है उनपे इतना फोकस नहीं किया जा रहा है, अगर उनपे भी इतना फोकस किया जाए तो शायद हम अच्छा कर पाए और ज्यादा अच्छा। एक बंदे ने रिप्लाई किया था, जो जिसने ये पोस्ट डाली थी ना, जो फर्स्ट वाली डाली थी हिंदी में कि मैं जिम्मेदार मानता हूँ धोनी को, ये मैं उनके कमेंट पढ़ रही हूँ फिलहाल। और उन्होंने इस पे एक पे रिप्लाई किया है कि हम जीत जाते अगर धोनी अपना नेचुरल गेम खेलता। जिसके रिप्लाई में किसी ने कहा है कि आप कभी नहीं समझोगे, आप धोनी आलोचक हो, आप कभी नहीं समझोगे। एंड बस यही बोलना चाहते हैं हम बाकी समझदार लोगों को एंड ऑल, मतलब फिर आगे जो भी ये चैट चल रही थी। तो मेरा बस ये है कि एक अकेले धोनी से ही एक्सपेक्टेशन है आपको। आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि धोनी बुढ़ा हो गया है, इससे नहीं होगा, इसे रिटायर कर दो, और एक्सपेक्टेशन भी उसी से ही रख रहे हो। बाकी लोगों का क्या, धोनी रिटायर भी हो जाएगा तो बाकी लोगों ने क्या बहुत अच्छा खेला उसके रिटायर होने के बाद? सोच लिए कि आप मान लीजिए कि वो टीम में आज था ही नहीं, उसका अगर मैं स्कोर हटा दूं तो बाकी लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बहुत अच्छा खिलाया। बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि अगर धोनी था जिसकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत नाक बच गई, और जडेजा था जिसने भी शायद इतना अच्छे से खुल के खेल पाया, बिकॉज धोनी वो सपोर्टिंग हिम थ्रू आउट। अगर आपने मैच देखा हो तो वो उसको, धोनी ने अपने आप को पीछे रख के जडेजा को बार बार आने का मौका दिया बैटिंग पे, उनको बीच बीच में वो सलाह भी दे रहे थे जैसा कि उनका नेचर है। और मैं एक और चीज बता दूं कि मैं यहाँ पे धोनी की कोई ऐसी ट्रू हार्ट फैन नहीं हूँ, या मैं विराट कोहली की या और किसी की कोई हेटर नहीं हूँ। मैं विराट कोहली को भी पसंद करती हूँ, मैं धोनी को भी पसंद करती हूँ, मैं जडेजा को भी पसंद करती हूँ, मैं शर्मा को भी पसंद करती हूँ, रोहित शर्मा को। हार्दिक पांड्या की बैटिंग और बॉलिंग भी मुझे काफी पसंद है, बुमराह तो माय फेवरेट, और भुवनेश्वर कुमार इज माय फेवरेट, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो बेसिकली मैं पूरी टीम इंडिया को सपोर्ट करती हूँ। पर फिर भी अगर हम बात करने बैठे कि किस क्या कारण थे जिसकी वजह से टीम इंडिया हारी, तो आई थिंक मेरी मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगा कि धोनी की वजह से टीम इंडिया हारी। हाँ मैं ये हाँ बोल सकती हूँ कि शायद थोड़ा सा और एफर्ट करते जडेजा और धोनी तो शायद हम जीत जाते, थोड़ा और एफर्ट करते, पर हारे उनकी वजह से हैं। नो मैन, हाउ कैन यू से दैट, नो नॉट एट ऑल। और बाकी बाकी के मैं कमेंट आपको बताती हूँ। एक बंदा बोला है धोनी स्टाइल अब पुराना हो चुका है, बहुत पैसा बना लिया है बिहारी बाबू ने, नाउ दे शुड रिटायर फॉर न्यू कमर्स। वेल ही इज रिटायरिंग, और ये भी र्यूमर्स है और काफी हद तक सच है कि ये धोनी का लास्ट वर्ल्ड कप था और नेक्स्ट वर्ल्ड कप वो नहीं खेलने वाले हैं। और आई डोंट नो बाकी के भी मैचेस वो खेलेंगे या नहीं, ओडीआई और T20 में खेलेंगे या नहीं, बट वर्ल्ड कप ये उनका लास्ट था। और आप ऐसे उनको मतलब ट्रीट कर रहे हो यार, कम ऑन। इट्स नॉट लाइक कि वो भी 1 या 2 रन पे आउट हो गए। और रिमेम्बर जब धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया था हमको, और जब सचिन का वो आखिरी वर्ल्ड कप था, हाउ वी ट्रीटेड देम, हाउ धोनी मेक श्योर कि एक उनको बहुत अच्छी सी फेयरवेल मिले, हम सचिन को मैच जिता के दें, वर्ल्ड कप जिता के दें, और उस वर्ल्ड कप की जीत के साथ सचिन की रिटायरमेंट हो। एंड व्हाट यू आर गिविंग टू धोनी, उन्होंने इतने सारे हमें मैचेस जिताए हैं, इतनी सीरीज जिताई हैं। धोनी इज द वन एंड ओनली कैप्टन जिसने हर फॉर्मेट में मैच को जिताया है। ही इज द ओनली कैप्टन जिन्होंने हर तरह का हमें ट्रॉफीज दिलाई हैं, दोनों तरह के T20 वर्ल्ड कप भी दिलाया है और ये ODI वर्ल्ड कप भी दिलाया है। और आज जब आपकी बारी है कि जब उस इंसान को आप थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे सको, उनके आखिरी मैच में उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सको, और अगर ये आई थिंक जो लोग 1-1 2-2 रन पे आउट हुए उससे तो अच्छा ही है कि वो 50 बना के आउट हुए, वो लास्ट 49th ओवर पे आउट हुए। 49th ओवर की फर्स्ट बॉल पे उन्होंने 6 मारा और उसके बीच में ही आई थिंक थर्ड बॉल थी जिसपे वो आउट हुए, थर्ड या फोर्थ बॉल पे रन आउट था वो। तो मुझे पता नहीं क्यों ये हजम नहीं हो रहा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और नेक्स्ट कुछ लोग बोल रहे हैं इस टीम से कि KL राहुल, दिनेश कार्तिक, जडेजा, धोनी की जगह अब नहीं बनती और इनको लाया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं धोनी को भगाओ टीम से, और जिनका रिप्लाई जो एडमिन एडमिन बोले तो जिसने पोस्ट डाली थी उन्होंने कहा भगाने से नहीं होगा, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और जो टीम के कैप्टन थे विराट कोहली जी, रोहित शर्मा जी, उन जो 1-1 रन पे आउट हो गए, या जो जिन्होंने ठीक से नहीं खेला, फील्डिंग ठीक से नहीं करी, उनकी जिम्मेदारी का क्या? एक क्या ये मैच न्यूजीलैंड वर्सेस धोनी था
क्या वो अकेले ही रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, बाकी लोग वहां पे क्या झाड़ू लगाने गए थे या पिकनिक करने गए थे, सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी ये? कम ऑन यार। एक बंदा बोल रहा है मैं आज से भारत का वर्ल्ड कप विश्व कप का मैच नहीं देखूंगा, आई हेट टीम इंडिया, इतने अच्छे टीम होने के बाद भी इतना खराब प्रदर्शन, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। इंडिया हारा है उसका कारण है धोनी, धोनी को 5 विकेट के लिए भेजा गया। हाँ यार ये चीज तो मैं भी अग्री करती हूँ कि जो रवि शास्त्री हैं या विराट कोहली हैं जो कैप्टन हैं जो कोच हैं, उन्होंने धोनी को इतना लेट क्यों भेजा? आपको धोनी का स्टाइल पता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेट होने पे पिच पे, और उसके बाद जब एक बार सेट होते हैं देन ही इज लाइक 4-6 एंड रनों की बरसात होती है। और ये एक्चुअली मैच धोनी का था कि शुरू में जैसे विकेट गिरे कोई की कोई बैट्समैन आता वो आराम से संभल के खेलता और थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगाता, विकेट बचा के रखता और फिर बाद में अच्छे से मारता, और फिर भी उनको इतना लेट में भेजा, पांड्या को पहले भेज दिया, ऋषभ पंत को पहले भेज दिया। ये लोग ऐसे हैं कि ये लाइक T20 मैचेस खेलते हैं, फटाफट फटाफट बनाने वाले, इनको पहले भेजना आई थिंक एक सही चॉइस नहीं थी। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है, मैच जहां जिस फील्ड पे हो रहा था उसकी कंडीशन भी एक कारण हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सामने आपको स्कोर बोर्ड पे दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग ऑर्डर था वो ठीक से नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो मिडिल ऑर्डर था उस पे एक ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा दबाव था, और दबाव के कारण वो खेल रहे थे, और फिर भी उन्होंने आई थिंक अपने इतना बुरा भी नहीं किया है अपने एंड से, उन्होंने ठीक ठाक पारी खेली है। और धोनी और जडेजा को अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो आई थिंक वही हैं जो इस मैच के हीरो हैं इंडिया की तरफ से, और भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने 3 विकेट ली, बुमराह जिन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, आई थिंक ये लोग ही विनर हैं। और इनको ही आप ऐसे बोलोगे यार, स्पेशली धोनी को आप ऐसे बोलोगे, ठीक है यार वो उनकी एज हो गई है, वो रिटायर हो जाएंगे, जब उनको लगा कि टेस्ट मैच में मैं नहीं चल पाऊंगा उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, बीच सीरीज से उसने रिटायरमेंट ले ली थी और धोनी को कैप्टेंसी सौंप दी थी, और कैप्टेंसी से भी उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है T20 से और इससे ODI से, ये सोच के कि शायद मैं अपनी बैटिंग पे और विकेट कीपिंग पे इतना ध्यान दूं और कैप्टेंसी में विराट कोहली को उन्होंने दे दी। तो जब उनको लगने लगेगा कि ठीक है बैटिंग में भी मेरा हो गया है तो वो ले लेंगे। आई थिंक ही इज दैट रिस्पॉन्सिबल मैन कि जो अपने से पहले टीम के बारे में सोचता है, जो खुद के रन बनाने से पहले सामने वाला जो दूसरा उनके साथ खेल रहा होता है उसको मौका देता है, उसको सामने आके उसको बॉल बैटिंग देता है कि तू बना और मैं यहाँ पे दूसरे एंड पे खड़े होकर तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ। ही इज द मैन, जबकि वो कैप्टन नहीं है और विराट कोहली कैप्टन है और फिर भी वो उसको सलाह देते हैं। विराट किसी भी सिचुएशन में जब फंस जाते हैं आपने अक्सर देखा होगा, फटाफट से धोनी के बगल में जाके पहुंच जाएंगे और उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे राय लेते हैं कि बताओ कि अब क्या करना चाहिए, और वो चीज कुछ आके बताते हैं और वो चीज काम भी करती है और फटाफट फटाफट से विकेट गिरते हैं, बहुत बार हमने देखा है यार। तो जब आप अपनी टीम को उसकी जीत में इतना सपोर्ट कर सकते हैं तो आई थिंक आपको अपनी उसकी हार में भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। एक इंसान जिसने आई थिंक बहुत कुछ दिया है हमारे इंडिया को, बहुत सारी उपलब्धियां दी हैं एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी, एज अ विकेट कीपर भी, ही इज लाइक अ बेस्ट विकेट कीपर आई हैव नोन। मतलब राहुल द्रविड़ थे, मैं मुझे उनकी विकेट कीपिंग बहुत अच्छी थी, बट आई थिंक धोनी ही इज ग्रेट, और स्टिल आप उनको इतना सब कुछ बोल रहे हो, और जबकि ऐसा भी नहीं है कि वो 0 या 1 पे आउट हुए हो, कुछ तो उन्होंने खेला है, 50 रन बनाए हैं, एंड तक चले हैं वो, फिर भी पता नहीं यार आप कैसे बोल रहे हो यार ये सब, आई डोंट नो। खैर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे व्यूअर हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो, जो मैंने बोला क्या मैंने कुछ गलत बोला, या अगर मैंने कुछ सही बोला तो वो भी मुझे बताओ, एक ओपन डिस्कशन करते हैं ना यार। आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं ऐसा कुछ चिट चैट सेशन कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, मैं अपनी आज की वीडियो बना के ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी थी मॉनसून के ऊपर कि मॉनसून में बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, और ये बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, पर जैसे मैं देख रही थी फेसबुक पे ये एंड ऑल और उनको रिप्लाई कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि मेरे रिप्लाई से उनको कुछ फर्क पड़ भी रहा होगा या कुछ उन्होंने उसको पढ़ के कुछ सोचा होगा समझा होगा। तो मैंने सोचा कि जो लोग मुझे ठीक से सुनते हैं समझते हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर मेरे व्यूअर्स, मैं आपसे इस बारे में बात करती हूँ, और आपको भी कोई ऐसा मिले जो सिर्फ एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है तो आई थिंक शायद आप उससे ये चीज डिस्कस कर सकें, मेरी ये वीडियो उसे दिखा सकें, तो या फिर आपको भी ऐसा लग रहा हो तो शायद मेरे कुछ बोलने से आपको कुछ समझ आए, तो इसीलिए ये वीडियो थी। बाकी
चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हार्ड लक फॉर इंडिया, बट ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर मैचेस, एंड इंडिया इज माई फेवरेट टीम स्टिल, आई स्टिल सपोर्ट यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.